से ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, बैंक्स में तेजी आई है। अच्छा, वीरू भी हमारे साथ मौजूद है, शायद अभी डायरेक्टर साहब यही बता रहे हैं। वीरू, ये बैंक्स में बढ़िया तेजी है, तो बैंक्स में भी कोई नाम, क्योंकि आप निफ्टी बैंक को ट्रैक कर रहे हैं, तो कोई नाम इनमें से जो आपको लगता है कि हाँ आउट परफॉर्म कर सकता है बैंकिंग में? सुमित, आपको आखिरी की कल की एक घंटे की क्लोजिंग पर अगर आप देखें तो एक डाइवर्जेंस था। आई मीन, जहां प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखें सिंक कर रहे थे, डीलों पे जा रहे थे, कोटक महिंद्रा बैंक, वहीं एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, पीएनबी, सारे डे हाई पे क्लोज हो रहे थे। तो अगर यहां से 38,080-38,100 की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बन रही है, तो ये पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट है। एसबीआई पर अगर आप देखें तो यहाँ पे अमित जी ने टिप्पणी करी, एसबीआई, कैनरा बैंक और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक इन तीन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। इन्होंने आज बेमन से सुबह पार्टिसिपेट किया था इस रिट्रेसमेंट में, पेन में, लेकिन आई थिंक जो वॉल्यूम्स और ओआई का पैटर्न है सुमित, वो इंडिकेट करता है कि पॉसिबली बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ में सेकेंड हाफ में अगर पार्टिसिपेशन आएगा तो इस स्पेस का बहुत ज़्यादा आएगा। सुमित, तीन बैंक्स जिनके ऊपर आप पर नजर बना के रखें, पूरा बैंकिंग बास्केट जोरदार तेजी में दिन के ऊपरी स्तरों पर, तीनों हैवी वेट्स एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये तीनों ही डे हाई पर फर्मली ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा अमित जी, कुछ इंडिविजुअल कॉल्स आपने आइडेंटिफाई करी, क्या मेजर बैंक से यहां पर भी हम माने? जी डेफिनेटली बैंक से ही चूज करूंगा, क्योंकि बैंक्स में इस पुलबैक के बाद रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। और जैसे कि वीरेन जी ने कहा, मेरा पहला पिक आउट ऑफ दैट विल बी एसबीआई। एसबीआई का अगर आप चार्ट देखें तो ये अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था अराउंड 508-515 की रेंज में पिछले 3-4 दिनों से, और बैंक निफ्टी में जब फॉल भी आ रहा था तो इनफैक्ट 508-510 के लेवल अपने नहीं तोड़ा था, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि बैंक में एक अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और आज हमने इसका जो कैंडल देखा, दैट इज मारुगुसुक टाइप ऑफ कैंडल, और पिछले 3 दिन के हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है एसबीआई, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो करंटली एसबीआई का प्राइस है 522 का, स्टॉप लॉस रखूंगा 515 का, और मेरा टारगेट रहेगा 535 का। तो 535 के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई पे दांव लगाए, भले दिन के ऊपरी स्तरों पर, लेकिन अभी भी जो शॉर्ट कवरिंग है या पोटेंशियल अपसाइड है उसको और शायद तेज कर सकता है। तो 535 के टारगेट्स के लिए आप यहां पे दांव लगाएंगे, पहला नाम यह है। अमित जी, दूसरा नाम जो मेरे रिडार में काफी दिनों से है, इनफैक्ट मुझे काफी दिनों से अच्छा लग रहा है, और अब उसमें एक अच्छा मूव देख रहे हैं फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। सिमिलर स्टोरी है एसबीआई की तरह, पूरे फॉल बैंक निफ्टी में स्टॉक ने अपने आपको आउट परफॉर्म किया। 720 से लेकर 730 का रीजन इसका जहां ब्रेकआउट एरिया था वो इंटैक्ट रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज बेटर देन निफ्टी, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईसीआईसीआई में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। करंटली इसका प्राइस है 757 का, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 747 का, और मेरा टारगेट रहेगा 772 का। 772 के टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक के, दूसरा बैंक रहेगा इस पर।